वर्ल्ड कप प्लेऑफ सेमीफाइनल्स इंडिया वर्सेस सिंगापुर, पहले लेग में 2-1 से इंडिया जीती है। तो अब ये दूसरा लेग है, देखते हैं क्या इंडिया जीत के प्लेऑफ फाइनल्स में पहुंच जाएगा या नहीं। तो ये रहे टीम्स, और ऑपोजिशन किक ऑफ करेगा। ये पहला अटैक है, विनीत विनीत के पास बॉल है, विनीत ने पास दिया, अरे घटिया पास दिया, बट ब्रोनोई ने फिर से बॉल ले लिया है और फिर से विनीत को पास। विनीत गोल की तरफ बढ़ते हुए शूट करेंगे, उड़ानता शूट करेंगे, अरे ना ना ना। और अभी ऑपोजिशन क्या कहते हैं, काउंटर कर रहा है और उसके पास अच्छा चांस है और गोलकीपर ने पकड़ लिया बॉल को। नाइस, विनीत फिर से बॉल पर, विनीत ने अच्छा को, और विनीत शूट करेगा ना, कॉर्नर मिला। फिर भी एक बार फिर से काउंटर हो रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, और अरे गोल मार दिया ऑपोजिशन ने, और अब ये 2-2 हो गया है एग्रीगेट। ना भाई ऐसे नहीं होगा यार, क्या घटिया डिफेंडिंग किया अपने टीम ने यार। विनीत फिर से बॉल पर, भाई कुछ करो यार, तुम चांस के ऊपर चांस वेस्ट करो। विनीत के पास फिर से एक मौका है और फिर से घटिया फिनिशिंग विनीत का। नाहुल के पास अब मौका है, नाहुल भाई, अरे यार चांसेस तो मिल रहे हैं पर ले नहीं रही अपनी टीम। विनीत फिर से बॉल पर, इस बार गोल हो सकता है, और गोल, जुनील भाई ने फिर से गोल मारा। ये इनका तीसरा गोल है, मतलब पहले लेग में 2 गोल मारे थे, इस लेग में 1 गोल मारा, और अब फिर से एग्रीगेट में 3-2 से आगे हैं हम। ऑपोजिशन का फिर से अटैक हो रहा है और नाइस डिफेंडिंग, बट ये क्या ये क्या ये क्या, अरे यार ये क्या कर दिया बे चूतिया, मतलब डिफेंडिंग पहले अच्छा की और फिर चूतियाप्पा कर दिया यार। और फिर से स्कोर 3-3 हो गया है एग्रीगेट में, मैच का स्कोर है 2-1 और ये हाफ टाइम हो गया यार। अभी भी मैच किसी भी और जा सकता है, आप देख सकते हैं 2-1 है स्कोर मैच का और एग्रीगेट में स्कोर है 3-3। अरे भाई फिर से चूतिया डिफेंडिंग यार, बॉल मिला, अरे यार इस बार डिफेंडिंग को भी ब्लेम नहीं कर सकते, अनलकी था यार अनलकी। और अब एग्रीगेट में सिंगापुर आगे है और अभी हम मैच हार रहे हैं यार, सेमीफाइनल्स में हार जाएंगे क्या यार, ऐसा कैसे। एडिल के पास बॉल है और गोल, ओडांता ने गोल मार के फिर से स्कोर को लेवल कर दिया, मतलब एग्रीगेट को लेवल कर दिया 4-4 में। स्कोर तो 3-2 से हार रहे हैं हम, बट अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। विनीत आगे जा रहे हैं इस बार, विनीत ना, बहुत सारे डिफेंडर्स है और खतिया बैक पास यार। जुनिल के पास बॉल है, आप उन्होंने ऑपोजिशन से छीन लिया बॉल और आगे जा रहे, गोल कर सकते हैं, अरे डिफेंड कर लिया वो डिफेंडर ने। ब्रोनोय ब्रोनोय का पास मिशु के लिए, मिशु शूट करेंगे और ये कॉर्नर। जुनील भाई आगे दौड़ रहे हैं बॉल के साथ, क्या इस बार गोल मार के, अरे क्या हो रहा है यार क्या हो रहा है। और एक्स्ट्रा टाइम पे मैच पहुंच चुका है एग्रीगेट में, 4-4 का ड्रॉ हो रहा था तो अभी एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है। एक्स्ट्रा टाइम के 30 मिनट्स मिलेंगे, देखते हैं इस पे क्या विनर निकलेगा कि नहीं, या हम पेनल्टी शूटआउट में चले जाएंगे इस बार। ओडांटा बॉल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस बार गोल के लिए कुछ कर सकते हैं, गोल को गोल एक गोल ला सकते हैं क्या ओडांटा। अब भी डिफेंडर्स उनसे मतलब चिपके हैं, अरे यार ये चूतिया तो मतलब, अरे यार बदनाहुल के पास बॉल है, आप क्या नाहुल गोल मार के जिता सकते हैं, और गोल मारा उसने, 5-4 से आगे है अब एग्रीगेट में। मैच का स्कोर 3-3 है बट एग्रीगेट में हम 5-4 से आगे हैं अब, और अभी टाइम बाकी है लेकिन के, और जुनील भाई सबसे आगे है अब, सिर्फ 1-on-1 विद द गोल कीपर, और शूट किया और गोल, और इससे मैच फिक्स कर लिया अपना, फाइनल में स्पॉट फिक्स कर लिया प्ले ऑफ के फाइनल्स में 6-4। ये जुनील का शायद दूसरा गोल है इस मैच में, और ऑल टोटल इस पूरे सेमीफाइनल में 4 गोल है, और अभी 6-4 से आगे हैं हम एग्रीगेट में। नाइस, अब जीतना मतलब 100% श्योर है, अभी यहाँ से हार नहीं सकते यार। और ये रहा गाइस मैच ख़त्म, 4-3 में ख़त्म हुआ ये मैच प्ले ऑफ सेमीफाइनल्स वर्ल्ड कप का। आप देख सकते हैं एग्रीगेट में 6-4 से ख़त्म हुआ, और
प्ले ऑफ सेमीफाइनल से हम प्ले ऑफ फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हमारा मुकाबला है थाईलैंड के साथ, दो लेग्स होगा और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होंगे अगर हमने ये प्ले ऑफ फाइनल्स जीता तो। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। गुड बाय।